हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिरांग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का गोइंग प्लेसेस चैप्टर करने जा रहे हैं, जो एआर बर्टन का लिखा हुआ है। देखो, अबाउट द ऑथर, एआर बर्टन ए मॉडर्न राइटर। एआर बर्टन इज ए मॉडर्न राइटर। एआर बर्टन एक मॉडर्न राइटर है, हु लिव्स इन ज्यूरिक, जो ज्यूरिक में रहता है, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखता है। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस स्टोरी में बर्टन एक्सप्लोर्स का छानबीन करता है द थीम ऑफ अडोलसेंट किशोरावस्था की, फंटासिसिंग और कल्पनाओं की, एंड हीरो वर्शिप और हीरो को मानने की, हीरो की पूजा करने की, ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। चलो अब पढ़ते हैं। When I leave स्कूल छोड़ूंगी, सोफी सेड। सोफी ने कहा, कमिंग होम घर आते हुए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, स्कूल से घर आते हुए सोफी ने कहा कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, एक कपड़ों की दुकान खोलूंगी। जानसी लिंकिंग आर्म्स हाथ मिलाते हुए विद हर उसके साथ अलोंग द स्ट्रीट गली में लुक्ड डाउटफुल संदेह के साथ उसकी ओर देखती है। टेक्स मनी इसमें पैसा लगता है, सॉफ समथिंग लाइक दैट कुछ इस प्रकार का काम करने में, वो कहती है सोफी कुछ इस प्रकार का काम करने में पैसे लगते हैं। आई विल फाइंड इट मैं पैसे कमा लूँगी, मैं पैसे की व्यवस्था कर लूँगी, सोफी सेड। सोफी ने कहा स्टेयरिंग फार डाउन दूर की ओर घूरते हुए द स्ट्रीट गली में। टेक यू ए लॉट ऑफ टाइम आपको बहुत सारा समय लग जाएगा टू सेव दैट मच इतना पैसा बचाने में। वेल ठीक है, आई विल बी ए मैनेजर देन तब मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स हाँ, निसंदेह, टू बेगिन शुरुआत, बेगिन विद शुरुआत में, टिल आई हैव गॉट इनफ जब तक कि मुझे पूरा पैसा नहीं मिल जाता, बट एनीवे परंतु खैर, आई नो मैं जानती हूँ जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, ये सब कैसे होने जा रहा है, ये सब कैसे दिखेगा। दो फ्रेंड हैं सोफ़ी और जानसी, स्कूल से घर आ रही हैं। सोफ़ी अपने भविष्य की प्लानिंग बता रही है कि मैं बड़ी बनूंगी तब क्या करूंगी, स्कूल छोड़ दूंगी तब क्या करूंगी। दे वुडंट मेक यू मैनेजर, वे आपको मैनेजर नहीं बनाएंगे स्ट्रेट ऑफ सीधा। वो कहती है मैं मैनेजर बन जाऊंगी फिर पैसे कमा लूंगी। जानसी कहती है तुझे वो सीधा मैनेजर नहीं बनाएंगे। सोफ आई विल बी लारी, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी, फेमस सेलिब्रिटी। सोफी सेड, सोफी ने कहा आई विल बी ए नेचुरल, मैं स्वाभाविक रूप से बन जाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और लोग देखेंगे स्टार्टिंग से ही ऐसा। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग, मैं रखूंगी सबसे शानदार शॉप दुकान दिस सिटीज एवर सीन, जो इस शहर में कभी रही होगी। जानसी नोइंग, जानसी जानते हुए, दे वर बोथ अनमार्क्ड, अनमार्क्ड का मतलब होता है पहले ही निश्चित कर चुकी हैं, फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने की। बिकेम मेलंकली, वह उदास हो जाती है। सी विश्ड, वह चाहती है सोफी वुडंट से, सोफी नहीं कहे दीज थिंग्स, इस प्रकार की बातें। जानसी निराश हो जाती है क्योंकि वह पहले ही एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का फैसला कर चुकी हैं। वेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जब वे पहुंची सोफी की गली में, जानसी सेड, जानसी ने कहा इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे, अब कुछ ही महीने हैं। नाउ अब सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल, आपको निश्चित रूप से समझदार बन जाना चाहिए। वो कह रही है अभी स्कूल छोड़ने में थोड़ा सा ही टाइम बचा है, इसलिए आप इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, समझदार बन जाओ। दे डोंट पे, वे ज़्यादा नहीं देते हैं। वे ज़्यादा नहीं देते हैं फॉर सॉफ वर्क, दुकान में काम करने के लिए। यू नो दैट, आप जानती हो, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, आपके डैड कभी आपको अनुमति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, अब सोफी कह रही है पैसे बनाने के लिए मैं या तो मैनेजर बन जाऊंगी या फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देर इज रियल मनी, अब वास्तव में पैसा, इन दैट इस काम में। यस हाँ, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक, और मैं रख सकती हूँ बुटीक ऑन द साइड, हीरोइन बनने के, एक्ट्रेस बनने के साथ साथ भी।
एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेसेस पूरे टाइम काम नहीं करती हैं. डू दे, क्या वे करती हैं? एनी वे, खैर. दैट और ए फैशन डिज़ाइनर, या फिर मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी. यू नो, आप जानती हो, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, कुछ ऐसा ही मैं सोफिस्टिकेटेड काम करूँगी. सोफिस्टिकेटेड होता है सुंदर काम, अच्छा काम. एंड सी टर्न इन, और वह चली गई अंदर. थ्रो द ओपन स्ट्रीट डोर, गली में खुले दरवाजे से. लिविंग झांसी, झांसी को छोड़ते हुए. स्टैंडिंग इन द रेन, वर्षा में खड़े हुए. इफ एवर आई कम इन टू मनी, यदि कभी मेरे पास पैसा हुआ. आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी. हु इफ यू एवर कम इन टू मनी, यदि कभी आपके पास पैसा हो. इफ यू एवर कम इन टू मनी, यदि आपके पास कभी पैसा हो. यू विल बाई एस, आप खरीद देना हमें. ए ब्लेस्ड, एक अच्छा सा, डिसेंट, शानदार सा हाउस, घर, टू लिव इन, रहने के लिए. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अधिक धन्यवाद. जैसे ही सोफी अंदर जाती है घर में, वो बोलती है मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक अच्छी सी बुटीक खोलूंगी. तो उसका छोटा भाई कहता है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो हमारे लिए एक घर खरीद देना. सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब होता है चम्मच से उठा रहा था. सोफी का फादर चम्मच से उठा रहा था. सेफर्ड पाई, आलू मिला हुआ मांस. इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में. एज हार्ड एज ही कुड, जितना जल्दी वह उठा सकता था. हिज प्लम फेस, उसका मोटा चेहरा. हिज प्लम फेस, उसका मोटा चेहरा. स्टिल ग्रीमी, अभी भी गंदा था. एंड स्वीट, और पसीने वाला था. मार्क्ड फ्रॉम द डे, दिन का काम करने की वजह से. सी थिंक्स, वह सोचती है. मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पर लगता है. डोंट सी डैड, क्या डैड वह ऐसा नहीं सोचती है. सैड लिटिल डेरेक, लिटिल डेरेक ने कहा. हैंगिंग, लटकते हुए. ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने फादर की कुर्सी के पीछे. देयर मदर साइड, और उनकी माँ ने इस बात पर आह भरी. सोफी वॉच्ड हर बैक, सोफी ने अपनी माँ की कमर को देखा. स्टूप्ड, झुके हुए. ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर. एंड वंडर्ड, और सोचा. एट द इनकॉन्ग्रुटी, कॉन्ग्रुटी होता, इनकॉन्ग्रुटी होता बेमेल, असंगत. ऑफ द डेलिकेट, उस नाजुक सी बो, गांठ को. उस नाजुक सी गांठ, उस नाजुक से फूल को. विच फास्टर्ड, जो बंधा हुआ था. हर एप्रोन, उसके चौगे की स्ट्रिंग्स, रस्सियों से. द डेलिकेट सीमिंग, नाजुक लगने वाली वो, वह गांठ. एंड द क्रूक्ड बैक, और मुड़ी हुई गर्दन. द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, इवनिंग शाम ऑलरेडी पहले ही ब्लैक्ड, अंधेरा कर चुकी थी. इन द विंडोज, खिड़कियों के माध्यम से. एंड द स्मॉल रूम, और छोटा सा कमरा. वह स्टीमी, भाप से भरा हुआ था. विद द स्टोव, स्टोव की, चूल्हे की. एंड क्लटर्ड, एंड क्लटर्ड, और भरा हुआ था. विद द हैवी ब्रीदिंग, गहरे खराटों से. मैन, एक आदमी के. इन हिज वेस्ट, जो बनियान पहने बैठा था. एट द टेबल, टेबल के पास. एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्स अप, और गंदे वॉशिंग कपड़े पाइल्स अप ढेर लगे हुए थे. इन द कॉर्नर, कोने में. सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग, सोफी ने महसूस किया दम घुटना. इन हर थ्रोट, अपने गले से. सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जोफ, वह चली गई अपने भाई जोफ को ढूंढने के लिए. ही वॉज नीलिंग, वह घुटनों के बल झुका हुआ था. नीलिंग, घुटनों के बल झुका हुआ था. ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर. इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में. टिंकरिंग, और मरम्मत कर रहा था. विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल के एक पार्ट की, एक हिस्से की. ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड, किसी न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर. स्प्रेड, जो फैला हुआ था. ऑन द कारपेट, चटाई के ऊपर. ही वॉज देयर, ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए थे. एन अप्रेंटिस, एक सीखने वाला मैकेनिक, मिस्त्री था वह. ट्रेवलिंग, जाता था. टू हिज वर्क, अपना काम करने. ईच डे, प्रतिदिन. टू द फार साइड ऑफ द सिटी, शहर के दूर वाले हिस्से के पास. ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वह लगभग बड़ा हो गया था. एंड सी सस्पेक्टेड, और वह संदेह किया करती थी. एरियाज ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के एरियाज पर, क्षेत्रों पर. अबाउट विच ही न्यू नथिंग, जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी. अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिनके बारे में वह उसे कभी नहीं बताता था.
ही सेड लिटल, वह बोलता था ना के बराबर, एट ऑल, आखिरकार, एवर, कभी, वॉलंटरली, स्वेच्छा से. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट, शब्द निकाले जाते थे, प्राइज्ड आउट निकाले जाते थे ऑफ हिम, उससे, लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, पत्थरों की तरह जमीन से बाहर. एंड सी वाज जीलियस, और उससे ईर्ष्या होती थी ऑफ हिज साइलेंस, उसकी चुप्पी से. व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, जब वह नहीं बोलता था, इट वाज एज दो, ऐसा लगता था जैसे कि, ही वाज अवे समवेयर, वह कहीं घर से बाहर हो, आउट बाहर, देयर इन द वर्ल्ड, उस संसार में, इन दोज प्लेसेज, उन स्थानों पर, सी हैड नेवर बीन, जहाँ पर वह कभी नहीं गई थी. वेदर दे वर ओनली द आउटलेइंग डिस्ट्रिक्ट, चाहे वे आउटलेइंग बाहरी डिस्ट्रिक्ट इलाके ही क्यों ना हो, ऑफ द सिटी, शहर के, और प्लेसेस या फिर वो स्थान हो, बियॉन्ड, जो दूर हैं, दूर के क्षेत्र, इन द सराउंडिंग्स, चारों ओर के, कंट्री, देहात के, ग्रामीण क्षेत्र के. हु नीव, किसे पता था, दे अटेंड, वे रखते थे, ए स्पेशल फैसिनेशन, एक विशेष मोह, एक विशेष आकर्षण, सिंपली, सामान्यतः, बिकॉज दे वर अननोन, क्योंकि वे अज्ञात थे, वो जानती नहीं थी, टू हर, उसके लिए, वे उसके लिए अननोन थे, एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच से वो जगह दूर भी बनी हुई थी. परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, शायद वहाँ भी लोग होंगे, एग्जोटिक, मोहक होंगे, इंटरेस्टिंग, रोचक होंगे, पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, ऐसे लोग जिन्हें वो कभी नहीं बोलता था. इट वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव था, दो, यद्यपि, ही वॉज क्वाइट, वह चुप रहता था, ही वॉज क्वाइट, वह चुप रहता था, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स, और अच्छे मित्र नहीं बनाता था इजिली, आसानी से. सी लॉन्ग्ड टू नो देम, वह इच्छा करती थी, लॉन्ग्ड, इच्छा करती थी, टू नो देम, उन्हें जानने की, सी विश्ड, वह चाहती थी, सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, कि वह प्राप्त करे और गहराई से, इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन, अपने भाई का स्नेह, एंड दैट समडे, और किसी दिन, ही माई टेक हर विद हिम, वह उसे अपने साथ ले जाए. दो देयर फादर फॉरबेड इट, यद्यपि उसके फादर ने मना कर दिया था उसे ले जाने के लिए. एंड जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड, और जोफ ने कभी व्यक्त नहीं किया था एन ओपिनियन, अपना एक विचार. सी न्यू, वह जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, वह मानता है उसे बहुत छोटी, टू यंग, बहुत छोटी. एंड सी वाज इम्पेशेंट, और वह हमेशा अधीर रहती थी. सी वाज कॉन्शियस, वह सचेत थी, ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, एक विशाल संसार के बारे में, वास्ट वर्ल्ड, विशाल संसार के बारे में, आउट, जो बाहर था, देयर वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतजार कर रहा था. एंड सी न्यू, और वह जानती थी, इंस्टिंक्टिवली, सहज भाव से, दैट सी वुड फील, कि वह अनुभव करेगी, एज एट होम, घर के जैसा ही, देयर वहाँ पर, एज इन द सिटी, जैसा शहर में महसूस करती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो हमेशा उसका घर रहा है. इट एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली का मतलब बड़ी आशा के साथ, अवेटेड, इंतजार कर रहा था, क्या कर रहा था, इट वर्ड, वर्ड बड़ी आशा के साथ इंतजार कर रहा था, हर अराइवल, उसके आने का, सी सा हरसेल्फ, वह अपने आप को देख रही थी, कल्पना में देखती है वो, राइडिंग घुड़सवार, बाइक पर चलते हुए, देयर बिहाइंड जोफ, वहाँ पर जोफ के पीछे बैठते हुए. ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, उसने पहन रखा था नया चमकता हुआ काले कलर का लेदर का कोट. एंड सी येलो ड्रेस, और उसने पहन रखी थी येलो ड्रेस, विद ए काइंड ऑफ कैप, एक प्रकार के दुपट्टे के साथ, दैट फ्लिप आउट बिहाइंड, जो पीछे की ओर उड़ रहा था. कल्पना करती है बाइक के पीछे बैठकर जाने की, और इस प्रकार से उसने कोट पहन रखा था, और उसका कपड़ा, जो दुपट्टा था, वो इस प्रकार से पीछे की ओर लहरा रहा था. देर वॉज द साउंड, और वहाँ पर आवाज़ आ रही थी, ऑफ अपलाउज, प्रशंसा करने की, तालियाँ बजाने की, एज द वर्ड रोज, क्योंकि संसार बाहर खड़ा हुआ था, टू ग्रीट देम, उनका स्वागत करने के लिए. ही सेट, वह बैठा हुआ था, फ्रोनिंग, गुर्राते हुए, एट द ऑयली कंपोनेंट, उस तेल वाले पुर्जे की ओर. ही क्रेडल्ड, जो उसने लिए हुए था, जो उसने पकड़ रखा था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एज दो, जैसे कि, इट वर ए स्मॉल डम, यह हो एक छोटा डम, गुंगा, एनिमल, पशु. एंड ही वाज विलिंग, और वह इच्छुक हो, टू इट, टू स्पीक, इसे बुलवाने का.
आई मेट डेनी केसी, मैं डेनी केसी से मिली थी, सोफी सेड, सोफी ने कहा। ही लुकड अराउंड अब्रप्टली, अब्रप्टली सडनली अचानक, उसने अचानक देखा चारों ओर। वेयर कहाँ मिली थी, इन द आर्केड, ढके हुए रस्ते में। फनीली इनफ, काफ़ी मज़ेदार बात है, अचंभे की बात है। इट्स नेवर ट्रू, ये बात कभी सत्य नहीं हो सकती। आई डिड टू, मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड, आपने डैड को बताया इस बारे में। शी शुक हर हेड, उसने अपना सर हिलाया, चेस्टंड आहत होकर। एट हीज अनअवेयरनेस, उसकी अनजानता पर। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, कि वह हमेशा पहला व्यक्ति है टू शेयर हर सीक्रेट्स, कि मैं उससे अपने सीक्रेट शेयर करती हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स, वहाँ पर मैं कपड़े देखने गई थी। इन रोइस विंडो, ये जगह का नाम है, रोइस विंडो में। वेन समवन केम, तब कोई आया। एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे पास खड़ा हो गया। एंड आई लुकड अराउंड, और मैंने चारों ओर देखा। एंड हु शुड इट बी, ये कौन हो सकता था, बट डेनी केसी, डेनी केसी के सिवाय, बट सिवाय डेनी केसी, डेनी केसी के। ऑल राइट, ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक, चलो बताओ वह कैसा लगता है, कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, अरे छोड़ो, कम ऑन छोड़ो। यू नो, आप जानते हो। व्हाट ही लुक्स लाइक, वह कैसा लगता है। क्लोज टू, क्लोज टू, जैसे कि, आई मीन, मेरा मतलब है। वेल ठीक है। ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी हरी आंखें हैं। जेंटल आइज, विनम्र आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टाल एज यू वुड थिंक, और वह इतना लंबा भी नहीं है जितना आप सोचते हो। सी वंडर्ड, उसने सोचा। इफ सी शुड से, यदि वह बताएगी अबाउट हिज टीथ, उसके दांतों के बारे में। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, परंतु उसने फैसला किया कि वो दांतों के बारे में नहीं बताएगी, इसके अगेंस्ट ही उसने फैसला किया। देयर फादर हैड वॉश, उनके फादर नहा चुके थे। वेन ही केम इन, जब वह अंदर आए। एंड हिज फेस, और उसका चेहरा। एंड आर्म्स, और हाथ। वर शाइनी, चमक रहे थे। एंड पिंक, और गुलाबी थे। एंड स्मेल्ड ऑफ सोप, और उसमें स्मेल आ रही थी साबुन की। ही स्विच्ड ऑन, उसने स्विच ऑन किया द टेलीविज़न, टेलीविज़न टोस्ट, और फेंका। वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, लिटिल डेरेक के, छोटे डेरेक के जूतों में से एक को। फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से। ऑन टू द सोफा, सोफा के ऊपर। एंड सेट डाउन, और बैठ गए। विद ए ग्रंट, एक गुर्राहट के साथ, एक गुर्राहट की आवाज़ करते हुए। सोफी मेट डेनी केसी, जोफ सेड, जोफ ने बताया कि सोफी डेनी केसी से मिली थी। सोफी रिगल, रिगल का मतलब छटपटा गई। देर वहाँ पर, सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, वह टेबल पर बैठी हुई थी। हर फादर टर्नड हिज हेड, उसके फादर ने घुमाया अपना सर। ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन के ऊपर से। टू लुक एट हर, उसकी ओर देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति। वॉज वन ऑफ डिसडेन, तिरस्कार भरी थी एक। इट्स ट्रू, ये बात सत्य है, जोफ सेड, जोफ ने कहा। आई वंस न्यू ए मैन, मैं जानता हूँ एक बार एक व्यक्ति को। हु हैड नोन, जो जाना जाता था टॉम फिनी के नाम से। हिज फादर सेड, उसके फादर ने कहा। रेवरेंटली, श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक। टू द टेलीविज़न, टेलीविज़न की ओर देखते हुए। बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, परंतु ऐसा बहुत समय पहले था। यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया था। जोफ सेड, जोफ ने कहा। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, कैसे भी, एक दिन अच्छा हो जाएगा। बेटर देन दैट इवन, इससे भी अच्छा। ही इज़ द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। बेटर देन दैट इवन, और भी अच्छा। ही इज़ द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। इफ़ ही कीप्स, यदि वह रखे। हिज शोल्डर, हिज हेड, अपना सर। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वे उसके अच्छे तरीके से देख देख करें। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होते हैं भटकाव वाली चीज़ें, ध्यान भंग करने वाली चीज़ें। फॉर ए यंगस्टर, एक युवा खिलाड़ी के लिए। इन द गेम्स, खेलों में। दीज डेज, इन दिनों में। ही विल बी ऑल राइट, वह भी ठीक बन जाएगा। ही इज विद द बेस्ट टीम, वह सबसे अच्छी टीम के साथ है। इन द कंट्री, देश की। ही इज वेरी यंग येट, वह अभी बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम, वह मुझसे तो बड़ा है। टू यंग, रियली, वास्तव में काफ़ी छोटा है। फॉर द फर्स्ट टीम, प्रथम स्तर की टीम के लिए। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इस प्रकार की योग्यता के लिए तर्क नहीं कर सकते। आप इस प्रकार की योग्यता के लिए तर्क नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाई ए शॉप, वह एक दुकान खरीदेगा। सोफी सेड, सोफी ने कहा। फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर से। हर फादर ग्रीमेस्ट, उसके फादर ने मुंह बनाया। ग्रीमेस्ट, मुंह बनाया।
वेयर वुड यू हियर दैट, आपने वह कहाँ सुना था? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताया था कि मैं कपड़ों की दुकान खोलूँगा। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया, समथिंग इनऑडिएबल, कुछ न सुनने योग्य, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को घसीट लिया, राउंड इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में गोल गोल। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, यह आपकी झूठी कहानियों में से एक और है, वाइल्ड झूठी बनावटी। सी मेट हिम, वह उससे मिली थी, इन द आर्केड, ढके हुए रास्ते में, जोफ सेड, जोफ ने कहा, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, हाउ इट हैड बीन, यह सब कैसे घटित हुआ था, ये सारी बातें उसने फादर को बताई। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में से किसी एक दिन, यू आर गोइंग टू टॉक यूर सेल्फ, आप जा रही हो अपने आप बात करके, इन टू ए लोड ऑफ ट्रेबल, एक मुसीबत में डालने के लिए। इन दिनों में इस प्रकार की बातें करके आप अपने आप को एक मुसीबत में डाल लोगी। हर फादर सेड, उसके फादर ने कहा, एग्रेसिवली, उसको एक प्रकार से धमकाते हुए। जोफ नो, जोफ जानता है, इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है। डोंट यू जोफ, जोफ के आपको नहीं पता है। ही डोंट बिलीव यू, वह आपकी कहानी में विश्वास नहीं करता। दो ही वुड लाइक टू, यद्यपि वह विश्वास करना चाहेगा। देखो इस स्टोरी में ये सोफी जो है वो कल्पना कर रही है, झूठ बोल रही है। ये एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, डेनी केसी, इसके बारे में वो कल्पना कर रही है, सपने ले रही है कि मैं उससे मिली थी, अपनी एक बनावटी कहानी बता रही है। भाई भी विश्वास नहीं करता, फादर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन भाई उसकी कल्पनाओं में उसका थोड़ा सा साथ दे देता है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, बचा हुआ चैप्टर सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।